जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने मानवता की सेवा की है और दुश्मनों को भी गला लगाया, कि उस तरह सभी को सेवा करने का अधिकार है। देखिए, विपक्ष को तो कोई काम नहीं है, हमारा काम है काम करने का। हमारा काम है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, और पताल में भी अगर कोई होगा उसको ढूंढ के निकाल के आपके सामने रख दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब के तख्त श्री हरि मंदिर में, और यहां पर 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पे बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी यहाँ आकर मत्था टेका, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद बिहार की उप मंत्री रेणु देवी भी यहां पहुंची। और हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से आज 354वां गुरु पर्व प्रकाश पर्व है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि मानवता के नाते उन्होंने दुश्मनों को भी गले लगाया था, तो ये सीख हम बिहारवासियों और देशवासियों को देना चाहते हैं। वहीं हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से रुपेश सिंह की हत्या को हुए हुए 8 दिन से भी ज़्यादा बीत गए हैं, पर जो अपराधी हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। और बहुत ही, मैं पहले तो यहाँ गुरुद्वारा में मत्थे टेकती हूँ, अभी साधु संतों को प्रणाम करती हूँ, और सभी लोगों को जो आए हैं उनको संदेश देना चाहती हूँ पूरे भारतवर्ष को, कि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने मानवता की सेवा की है और दुश्मनों को भी गला लगाया, उनकी सेवा की, उस तरह सभी को सेवा करने का अधिकार है। मैम, एक सवाल है कि रुपेश सिंह की हत्या को 8 दिन से भी ज़्यादा हो गए, पर अपराध आपको पता लग रहा है ना क्या चीज़ के कारण हुआ? हमारी पुलिस लगी हुई है, सारी टीम लगी हुई है, तुरंत हो जाएगा खाली। पर मैम, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष को तो कोई काम नहीं है, हमारा काम है काम करने का। हमारा काम है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, और पताल में भी अगर कोई होगा उसको ढूंढ के निकाल के आपके सामने रख दे। कोरोना ने विघ्न डाला है मैम, इस बार आयोजन में कोरोना ने विघ्न डाला है क्या? लोग कम पहुंचे, कोरोना ने विघ्न डाला है, लोग कम पहुंचे। निश्चित कोरोना ने विघ्न डाला है, लोग बचाव करके अपना चलना है, और उसमें बाबा का दर्शन होता है। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का कहना है कि जो अपराधी हैं वो अगर कहीं भी पाताल में भी होंगे तो उन्हें बिहार पुलिस जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। वहीं हमने उनसे सवाल किया कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, तो साफ तौर पे उनका कहना है विपक्ष के काम के पास कोई काम ही नहीं है, बस सवाल उठाना ही उनका काम है। अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 8 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पर रुपेश सिंह की हत्या का जो खुलासा है बिहार पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के साथ वार्ता भी कर रहे हैं इस केस को लेकर, पर अभी तक पुलिस के हाथ पूरे तरीके से खाली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधी जो हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।